आदाब एवरीवन, आज हम बना रहे हैं पालक गोश्त। तो मैं गोश्त में जो है मैं चिकन ले रही हूँ, आप बीफ का भी बना सकते हैं, मटन का ही। तो आज हम बना रहे हैं पालक गोश्त। तो गोश्त पालक गोश्त बनाने की रेसिपी बताने से पहले, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से जाएँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर करिएगा। तो ये मैंने चिकन धो के रख ली है, चूल्हा जला के बर्तन रख दिया है। अब इसमें हम एक कटोरी तेल डालेंगे। ये एक कटोरी तेल डाल लिया है, ये गर्म हो जाएगा तो इसमें फिर हम प्याज डालेंगे। ये एक दरमियाने साइज़ की प्याज है जो मैंने काट ली है। ये देखिए तेल हमारा हो गया है, अब हम इसमें ये प्याज शामिल करेंगे। प्याज जब हल्की लाइट ब्राउन हो जाएगी या गोल्डन हो जाएगी तो हम इसमें चिकन डालेंगे। ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ। एक चम्मच छोटा पीसी हुई अदरक को डालेंगे इसमें। ये तीन कलियां लहसुन की, इनको चॉप करके डालेंगे। ये लहसुन चॉप कर लिया है, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। पिसे हुए धनिए की देखिए आधा चम्मच, मिर्चें थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं, आप अपने हिसाब से डालिएगा, आप जितनी खाते हैं। ये थोड़ी सी मिर्चें डाली, आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, कुटी हुई मिर्चें भी डाल सकते हैं। अब इसमें नमक डालूँगी थोड़ा सा, देख सकते हैं आप, थोड़ा सा नमक डालूँ, नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, चलाएँगे। ये मैंने अच्छे से गोश्त को चला दिया है, अब इसमें हम पालक डालेंगे। अब पालक डाल लिया हम इसमें, ये पालक डालेंगे आस्ते आस्ते से। पालक डालने के बाद इसको चलाएंगे, पालक भी पानी छोड़ती है। अच्छा, एक और बात ये कि जो गोश्त आप लेंगे बीफ का या मटन का, तो उसको पहले अच्छे से भून लीजिएगा। जब वो भून जाए गोश्त तो फिर पालक डालिएगा। चिकन ये के बहुत जल्दी गल जाती है, तो इसलिए मैंने चिकन को बस थोड़ा सा चला के और इसमें पालक डाल दी थी। लेकिन गोश्त जब आप लेंगे बड़े का या छोटे का, तो बकरे या गाय का, तो आप जो हैं पहले उसको अच्छे से भुनाई कर लिएगा, पानी डाल के अच्छे से गला लिएगा, फिर पालक शामिल करिएगा। अब इसे मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी धीमी आंच पे। ये देखिए पालक ने कितना पानी छोड़ दिया है, मैंने ऊपर से कोई पानी नहीं डाला, आप देख सकते हैं मैंने कोई पानी नहीं ऐड नहीं करा इसमें। ये देखिए कितना पानी छोड़ा है पालक ने। अभी हम इसे थोड़ी देर और पकने देंगे, ये धीमी आंच पे ही पक रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये अच्छी खुशबू आ रही है। देख रहे हैं, देखिए हमारा पक गया है, देखिए हमने चूल्हा बंद कर दी। अब मैं इसे प्लेट में निकालूंगी। ये मज़ेदार सा पालक गोश्त तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, आप इसे घर पे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पालक गोश्त।